बिजनौर खबर टीवी में आपका स्वागत है। बिजनौर जनपद के थाना सिहारा क्षेत्र में 12 सितंबर को सोमपाल नाम के व्यक्ति से फोन पर एक अभियुक्त द्वारा 22 लाख रुपए की रंगदारी के मामले में सिहारा थाना की पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। रंगदारी मांगने वाले अभियुक्त अपने को भाटी गोंगा का सदस्य बताते हुए 22 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी। इस घटना को लेकर एसपी ने टीम गठित कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए कड़े दिशा निर्देश संबंधित थाने को दिए थे। पुलिस ने इस रंगदारी की रकम को लेकर 3 लोगों को गिरफ्तार किया और उन्हें आज जेल भेज रही है। हम आपको बता दें कि सिहारा थाना क्षेत्र के गांव कस्माबाद के रहने वाले सोमपाल ने थाने में आकर एक तहरीर दी थी। इस तहरीर में सोमपाल ने लिखा था कि 7 सितंबर को डाक के द्वारा और 9 सितंबर को अभियुक्त के द्वारा उनके मोबाइल फोन पर 22 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है। रंगदारी न देने की एवज पर अभियुक्तों द्वारा उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। थाना सिहारा में रंगदारी के मामले में 22 सितंबर को एक मुकदमा दर्ज किया गया था। इस घटना को लेकर एसपी धर्मवीर सिंह ने बताया कि उन्होंने घटना की गंभीरता को देखते हुए सिहारा पुलिस में स्वाट टीम को इस घटना के तुरंत निस्तारण हेतु लगाया था। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए 14 सितंबर को फवारा चौक चौराहे से विजय को गिरफ्तार किया और इसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त मोबाइल को विजय कुमार के खेत के पास से जमीन खोदकर बरामद किया गया है। साथ ही 15 सितंबर को लंबा खेड़ा मोड़ से पुलिस टीम द्वारा गौरव नंदे जिन्होंने इस रंगदारी में विजय की सहायता की थी इन सभी लोगों को गिरफ्तार करके आज जेल भेजा जा रहा है। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक सप्ताह पहले सोमपाल सिंह जो कासमाबाद के रहने वाले हैं इनके पास टेलीफोन से और पत्र से रंगदारी का मामला आया जिसमें ये बताया गया कि 22 लाख रुपए हम लोगों को दो। हम लोग सुनील भाटी गैंग के सदस्य हैं। कई बार फोन आया, इन्होंने एप्लीकेशन थाने पर दिया, मुझसे संपर्क किया, एसपी क्राइम और सर्विलांस टीम स्वाट टीम को लगाया गया तो ट्रेस किया गया। इसमें 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए, विजय कुमार, नन्हे और गौरव। एक अभियुक्त गजेंद्र की गिरफ्तारी शेष है। इन लोगों ने ये सोचा कि इसके घर में सभी सर्विस वाले हैं, 3-4 टीचर हैं, लेडीज भी टीचर हैं, इनसे 22 लाख रुपए मांग रहे हैं, 2-4 लाख रुपए आसानी से मिल जाएंगे। इनको पकड़ा गया, मोबाइल और सिम के साथ में गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और इनके खिलाफ HS एवं अन्य कार्रवाई कराई जाएगी।